तो हेलो, कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो के अंदर। सो गाइस गाइस गाइस, अभी हमारी एक अचीवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये है गाइस वेल सीजन क्लैन गेम्स के, एंड अपने को यहाँ पे 100 जेम्स मिल चुके हैं। खैर छोड़ो गाइस, अभी हम लोग वीडियो की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो अगर हम लोग टॉप प्लेयर्स में चले, एंड अगर आप लोग यहाँ पे रैंक देखोगे नंबर 3 पे देखो गाइस कौन है, टाइम्स ऑन फायर पुणे फाइटर का बंदा है, अपने क्लैन का बंदा है। एंड अगर लोकल में चलें तो रैंक 1 देखो, अपने ही क्लैन का बंदा है। एंड आज इसने 8 अटैक किए, आठों के आठों अटैक यहाँ पे ट्रिपल निकाले हैं भाई साहब। आठों के आठों अटैक ट्रिपल निकालना कोई मजाक नहीं है यार, सच में कोई मजाक नहीं है। एंड अगर हम लोग इसकी अटैक से देखें कौन सी अटैक से यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो ये बंदा यहाँ पे यूज़ कर रहा है गाइज हाइब्रिड अटैक से यहाँ पे यूज़। एंड अगर हम लोग इसका बेस डिज़ाइन देखें तो यार काफ़ी अच्छा है। सीसी का भी मुझे नहीं पता इसके सीसी के अंदर क्या है, लेकिन जब हम लोग इसके अटैक देखेंगे तो आप लोगों को यार पता चल जाएगा कि ये सीसी में क्या यूज़ करता है। और हाँ गाइज यार, कमेंट करके बताओ क्या आप लोग इस सीज़न पुश कर रहे हो। अगर आप लोग यार अपनी ट्रॉफीज़ को पुश कर रहे हो तो यार कौन सी अटैक से यूज़ कर रहे हो, एक बार कमेंट करके जी बताना। तो गाइज अभी हम लोग इसके अटैक देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग इसके अटैक देखें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यार फटाफट से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, कर लो यार, क्यों नहीं करते भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने अपने को, एंड नोटिफिकेशन बेल भी दो, नोटिफिकेशन बेल दबाने से बंदा चैनल पे फर्स्ट आता है। एंड कमेंट करो यार, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो बाइक का चैनल चलेगा। तो चलेगा इस दोनों पैर सेक्शन आ लेते हैं वीडियो की तरफ। सो हे गाइज, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, इससे पहले कि हम लोग अटैक देखें, एक बार कमेंट करके बताओ आपको ऑल टाइम बेस्ट कितना है। मेरा ऑल टाइम बेस्ट है गाइज यहाँ पे 5,812 ट्रॉफीज, एंड ये ऑल टाइम बेस्ट किया था हम लोगों ने जब हमारा टाउन हॉल 12 मैक्स आउट था, उस टाइम किया था। एंड अभी तो गाइज मेरा टाउन हॉल 13 हीरोज जो है ना वो अपग्रेड के ऊपर है। जैसे ही हमारे हीरोज अब मैक्स हो जाएंगे उसके बाद हम लोग करेंगे गाइज पुशिंग करेंगे फिर से, एंड अभी हम लोग अटैक देखेंगे। एंड हाँ गाइज, लाइक एम तो यार हम लोगों ने किया ही नहीं, लाइक एम करना मैं भूल गया। सो ऐसा करते ना, लाइक एम आज हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं, लाइक एम करते हैं गाइज 801 लाइक का। मुझे पता है कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मांगने में क्या जाता है भाई साहब। सो अगर करवा सकते हो तो यार अभी के अभी लाइक ठोको, बाद में आप लोग अगर भूल जाओगे सो अभी के अभी लाइक ठोको, ठीक है गाइज। सो भी हम लोग यहाँ पे अटैक देखेंगे, एंड बंदा यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है कि यार कहाँ से अपने को क्वीन चार्ज स्टार्ट करनी है। एंड ओके गाइज, टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, सो भी यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बंदा यहाँ पे बैटर ब्लिंप यूज कर रहा है, एंड बैटर ब्लिंप के अंदर होगा यहाँ पे गाइज ये टी, एंड बैटर ब्लिंप हो जाएगा यहाँ पे ओपन। एंड गाइज बुरी बात ये है गाइज, जो अपना यहाँ पे बैटर ब्लिंप ओपन हुआ है ना उसके अंदर से जो येटी निकले हैं वो वॉल्स के बीच में फंस चुके हैं यहाँ पे। एंड अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक स्कैटर शो डाउन हो चुका है, एक यहाँ पे इन्फर्नो टावर डाउन हो चुका है। सो क्वीन ने यार काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाली, सो यहाँ पे डाल दी उसने क्वीन। सीसी यहाँ पे निकल चुका है, सीसी से निकला है एक पेका निकला है, एंड एक आइस गोलम निकला है, एंड रेज कर दिया इसने क्वीन को। एंड पॉइजन नहीं कर रहा है ये, पेका वगैरह को पॉइजन नहीं कर रहा है, सो आई थिंक ये यहाँ पे पॉइजन बचाना चाहता है अभी अपनी। एंड फनल यहाँ पे बन चुका है, एंड जो अपनी क्वीन है ना वो अपना सीधे टाउन हॉल की तरफ ले जाना चाहता है ये। एंड यहाँ पे आइस गोलम मर चुका है, सीसी यहाँ पे मर चुका है। सो देखते हैं गाइस कब वो अपने माइनर सेंड हो को डालने वाला है, एंड आई थिंक वो तब तक नहीं डालने वाला है जब तक यहाँ पे टाउन हॉल डाउन नहीं हो जाता। टाउन हॉल का डाउन होना गाइस बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक और बैलून डाला है, एंड बैलून ने गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्लैक एंड माइन को ट्रिगर किया है। एंड आई थिंक जो अपनी क्वीन है ना वो आराम से पहुंच जाएगी। वॉल ब्रेकर्स भी ये बंदा यहाँ पे यूज़ कर रहा है, एंड हाँ गाइस क्वीन अगर ये वॉल ब्रेकर्स यूज़ ना भी करता तब भी यह टाउन हॉल तक पहुंच जाती। एंड टॉप पे इसने डाल दिया अपना वहाँ पे किंग, फन क्रिएट करने के लिए रेस डाल दिया क्वीन के ऊपर। एंड यहाँ पे आ जाएंगे गाइस अपने सारे के सारे माइनर्स पीछे से आ जाएंगे, वो डन बुढ़वक बुड्ढा। एंड होक्स भी आ चुके हैं, 39% गाइस यहाँ पे निकल चुका है। रॉयल चैंपियन कलुआ की मम्मी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। स्कैटर शॉट को कर दिया इसने यहाँ पे फ्रीज, स्कैटर शॉट नहीं डबल एक्सपो को यहाँ पे फ्रीज किया है अपनी क्वीन को बचाने के लिए। एंड यहाँ पे गाइस किया है इसने स्कैटर शॉट को फ्रीज। अभी यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी बच चुकी है, वार्डन की एबिलिटी इस बंदे ने यहाँ पे यूज कर दी। स्पेल्स में क्या बचा है गाइस, यहाँ पे एक हीलिंग स्पेल बची है, एंड कुछ वॉल ब्रेकर्स यहाँ पे बचे हैं, पॉइजन स्पेल भी बची है। एंड आई थिंक पॉइजन स्पेल को इसको यूज करना चाहिए अपोनेंट के हीरोज के ऊपर। एंड ओके गाइस, किंग के ऊपर इसने यहाँ पे पॉइजन स्पेल को यूज कर दिया है। 71% मल्टी टारगेट इन्फर्नो बचा है, वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, यहाँ पे कलुआ की मम्मी यानी कि रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यहाँ पे बची हुई है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड भाई साहब इस तरह माइनर्स की हेल्थ काफ़ी कम है, एक जायंट बम ने यहाँ पे हेल्थ को काफ़ी कम कर दिया माइनर्स की। एंड अच्छी बात यह है गाइज, अभी भी यहाँ पे क्वीन की फुल हेल्थ है, वार्डन की फुल हेल्थ है, हीलर्स यहाँ पे बची हुई है अभी तक, सो आराम से गाइज आराम से त्रिशा निकल जाएगा। एंड ये गई भाई रॉयल चैंपियन की एबिलिटी, वाह भाई वाह। तो ये था गाइज अपना पहला अटैक, एंड मज़ा आ गया काफ़ी अच्छा यार। यहाँ पे प्लान एग्जीक्यूट किया, जो प्लान किया एक तो आपको 30 सेकंड मिलते हैं
30 सेकंड्स के अंदर आपको प्लान करना पड़ता है। एंड आप अगर आप लोग का 3 स्टार निकाल लो तो भाई क्या कहने यार फिर। सो ये था अपना पहला अटैक। सो अभी हम लोग अपना सेकंड अटैक देखेंगे। सो गाइज 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 ये वाला बेस यार आप लोगों को यार जरूर मिला होगा अगर आप लोग पुशिंग करते होगे एक ना एक बार तो यार जरूर मिला होगा। एंड भाई साहब बहुत कॉमन बेस है लीजेंड लीग का। एंड देखते हैं इस बंदे ने इस बेस को यार कैसे तरीका किया, कहां से ये क्वीन चार्ज स्टार्ट करने वाला है। ओके गाइज तो इसने यहाँ पे डाल दिया अपनी क्वीन, ये देख सकते हो पीछे से हीलर्स आ चुके हैं, कोको लून भी यहाँ पे डाल दिया है, इस तरफ डाला है एक बेबी ड्रैगन फनी क्रिएट करने के लिए ताकि जो अपनी क्वीन है ना वो बेस के कोर में जाए, अंदर की तरफ जाए, बाहर ना भटके। बहुत बार होता है गाइस ऐसे बेसिस के ऊपर जो अपनी क्वीन है ना वो बाहर की तरफ भटक जाती है। एंड यहाँ पे इसने वॉल वेकर्स डाल दिया है, वॉल वेकर्स काफी अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। यहाँ पे रॉयल चैंपियन अपोनेंट की कलुआ की मम्मी यहाँ पे डाउन हो चुकी है, बुढ़वक बुड्ढा भी यहाँ पे डाउन हो चुका है। क्या ये बैलून? नहीं 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 नहीं, मुझे लगा कोई ब्लैक एंड माइन निकाल लेगा, नहीं नहीं निकली। तो अभी सीसी भी यहाँ पे निकल चुका है, डबल विच निकली है एंड एक आइसक्रम निकला है, एक बैलून निकला है, पॉइजन है यहाँ पे, तो विच यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं देने वाली। अगर गाइस आपके पास पॉइजन ना हो तो भाई साहब विच कवाड़ा कर देती है पूरे अटैक का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे गाइस अभी 2 रेंज बची हुई है, 2 हीलिंग स्पेल भी है एंड 2 फ्री स्पेल भी है। किंग को देखते हैं भाई साहब किस तरफ से डालने वाला है। ओके इस तरफ से इसने किंग डाल दिया एंड सीख बैरक्स भी डाल दिया एंड ओके गाइस वॉल ब्रेकर्स की मदद से यार इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे पास बना लिया है किंग के लिए। किंग यहाँ पे आराम से फनल क्रिएट कर देगा अपने माइनर्स के लिए एंड जो अपने माइनर्स है ना वो सीधा जाएंगे फिर कोर में अपने माइनर्स ऑक्स। एंड भाई साहब काफ़ी अच्छा फनल क्रिएट कर लिया इस बंदे ने यहाँ पे, सो किंग की एबिलिटी भी यूज़ कर ली एंड फनल यहाँ पे बन चुका है माइनर्स के लिए। सो माइनर्स डाल दिए, कलुआ की मम्मी डाल दी, बुढ़ुआ की बुड्ढा डाल दिया एंड पीछे से आ चुके अपने हॉग राइडर्स। एंड बुरी बात ये है मल्टी टारगेट इन्फर्नो यहाँ पे टारगेट कर रहा है अपने हीलर्स के ऊपर। एंड अच्छी बात यह है जो अपने हीलर्स है ना वो स्विच हो चुकी है अपने माइनर्स के ऊपर। एंड नहीं 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 भाई फिर से क्वीन के पास चली गई हीलर्स। अरे भाई हीलर्स का क्या बन गया यहाँ पे देख सकते हो, वार्डन की एबिलिटी काफ़ी एक्यूरेट डाली यहाँ पे, लास्ट वाली हीलिंग स्पेल भी यहाँ पे यूज़ कर दिया है एंड स्कैटर शॉट को किया है यहाँ पे फ्रीज। एंड ओके गाइस ये स्कैटर शॉट बहुत दिक्कत देने वाला है एंड ओ भाई साहब बच गए अपने हॉग राइडर्स। जो अपना स्कैटर शॉट है ना वो यहाँ पे टारगेट कर रहा है कम ग्रुप वाले हॉक्स के ऊपर, लेकिन जो बड़ा ग्रुप है ना वो बच गया गाइस यहाँ पे। एंड भाई साहब यहाँ पे एबिलिटी बची हुई है, क्वीन की एबिलिटी बची हुई है एंड रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी यहाँ पे बची हुई है। सो देखते हैं कब यूज़ करने वाला है ये रॉयल चैंपियन की एबिलिटी। आई थिंक क्वीन की एबिलिटी तो इसने यहाँ पे यूज़ कर दी एंड रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी यहाँ पे यूज़ कर दी। मल्टी टारगेट इन्फर्नो यहाँ पे डाउन हो गया जो कि दिक्कत दे सकता था हॉग राइडर्स को, क्योंकि हॉग राइडर्स की जो हेल्थ है ना वो काफ़ी कम थी। एंड भाई साहब बड़े आराम से यार इस बंदे ने इस वाले अटैक को भी 3 स्टार निकाल लिया एंड सीसी के दोनों ETs यहाँ पे बचे हुए हैं, क्या कर रहे हैं भाई ये पीछे। सो गाइस ये था अपना सेकंड अटैक एंड मजा आ गया। तो अभी हम लोग अपना लास्ट यानी कि थर्ड अटैक देखेंगे। सो गाइस अभी हम लोग अपना लास्ट अटैक देखने वाले हैं एंड ये रहा बेस। अरे भाई साहब ये वाला बेस यार काफी कॉमन है, काफी बार मिलते हैं यार इसी टाइप के बेसिस एंड टाउन हॉल यहाँ पे साइड में है, सीसी भी साइड में है। सो देखना बनता है गाइस इस बंदे ने इस बेस को कैसे 3 स्टार किया है। यहाँ पे टाउन हॉल साइड में है तो आई थिंक क्वीन चार्ज तो ये वहाँ से नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे डिफेंसेस है, क्वीन है, किंग है, अगर वहाँ से की ना क्वीन चार्ज तो भाई साहब किन के एल लग जाएंगे। सो इस तरफ से इसने क्वीन चार्ज को स्टार्ट किया है एंड देखते हैं भाई साहब कहाँ तक ले जाना चाहता है ये अपनी क्वीन चार्ज को। एंड सीसी वहाँ पे ल्यूर करने की ट्राई कर रहा है। ओके सीसी से यहाँ पे निकला है एक लावा हाउंड निकला है एंड एक आइस गोलम निकला है भाई साहब, यानी कि टाइम यहाँ पे काफ़ी स्पेंड होने वाला है। सो यहाँ पे गाइस इसने बेबी ड्रैगन डाल दिया फन क्रिएट करने के लिए, वॉल ब्रेकर्स हैं इसके पास। सो देखते हैं वॉल ब्रेकर्स को ये कब यूज़ करेगा एंड लावा हाउंड यहाँ पे आ चुका है। आइस गोलम भाई विजार्ड की तरफ मुड़ चुका है एंड विजार्ड यहाँ पे मर जाएगा, तो भी जाएगा अपना आइस गोलम क्वीन के पास। लावा हाउंड यहाँ पे फूट चुका है, पॉइजन स्पेल इसने डाल दिया लावा पफ्स के ऊपर एंड रेस स्पेल डालेगा क्या ये? ओके रेस स्पेल इसने यहाँ पे डाल दिया है, एक वॉल ब्रेकर भी डाला है यहाँ पे एंड नहीं 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 भाई फ्रीज करना पड़ेगा यहाँ पे इन्फर्नो टावर को, बाकी के वॉल ब्रेकर्स भी यहाँ पे डाल दिया एंड भाई साहब आराम से यहाँ पे वॉल ब्रेक कर लिया इस बंदे ने। एंड अभी गाइस यहाँ पे मल्टी टारगेट इन्फर्नो निकल जाएगा, किंग इसने यहाँ पे डाल दिया है एंड क्वीन के पास डाल दिया वहाँ पे सीख बैरक्स एंड पीछे से आ चुके हैं कलियो की मम्मी। सो वहाँ पे गाइस हीरोज वहाँ पे आराम से डाउन हो जाएंगे, किंग भी वहाँ पे डाउन हो जाएगा, माइनस डाल दिए, बुढ़वक बुड्ढा डाल दिया एंड पीछे से आ चुके हैं गाइस यहाँ पे हॉग राइडर्स। रेस स्पेल यहाँ पे डाल दिया एंड हीलिंग स्पेल भी यहाँ पे डाल दिया, स्कैटर शॉट को कर दिया यहाँ पे फ्रीज एंड यहाँ पे गाइस गई अपनी वार्डन की एबिलिटी। अभी गाइस यहाँ पे क्या बचा है, एक यहाँ पे हीलिंग स्पेल बची है, एक रेस स्पेल बची है। सो देखते हैं इनको कहाँ पे डालने वाला है एंड ओके यहाँ पे इसको हीलिंग स्पेल डालनी पड़ेगी। ओके इसने यहाँ पे डाल दिया हीलिंग स्पेल एंड अभी गाइस यहाँ पे एक रेस स्पेल बची है, रेस स्पेल कहाँ पे डालने वाला है ये एंड लेट्स सी रेस स्पेल। नहीं 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 अभी नहीं डाल रहा ये बंदा।
सो ओके यहाँ पे रेस पर डाल दिया इसने क्वीन के ऊपर। इग्लाट्री यहाँ पे डाउन हो चुकी है, लेकिन गाइज डिफेंसिस में अभी भी यार बहुत कुछ बचा है। लेकिन अच्छी बात ये है यहाँ पे गाइज एबिलिटी बची है क्वीन की एंड किंग की। बुरी बात ये है हिलर्स यहाँ पे जा चुकी है अपने रॉयल चैंपियन के ऊपर, क्वीन को छोड़ के क्वीन यहाँ पे मरने वाली है। एंड अच्छी बात यह है क्वीन यहाँ पे डाउन कर लेगी मल्टी टारगेट इन्फर्नो को। सो भी वैसे वेस के ऊपर ज़्यादा कुछ बचे नहीं है, किंग की एबिलिटी आराम से क्लीन अप कर देगी अटैक को। एंड 82% नहीं यार डिफेंसिस में कुछ नहीं बचा अभी यहाँ पे, एक कांचे टावर बचा है, एक कैनन बची है, एक मोटार बचा है, एक ए डिफेंस बचा है। ए डिफेंस का ज़्यादा कुछ दिक्कत देगा नहीं। एंड हाँ गाइज आराम से यार ये वाला अटैक भी यहाँ पे त्रिशर निकल गया। सो गाइज ये वाली अटैक स्ट्रेटजी काफ़ी ओपी है। आप लोग यार कौन सी अटैक स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, अगर आप लोग यार पुशिंग कर रहे हो ना तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कौन सी अटैक स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो। एंड भाई साहब मजा आ गया। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर 1% ही वीडियो अच्छी लगी है ना तो फटाफट से लाइक करो, लाइक एम हमारा यार बहुत बड़ा है, पता नहीं यार कंप्लीट होगा भी या फिर नहीं, लेकिन अगर अच्छे लगे हो ना गाइज अटैक तो यार प्लीज़ यार लाइक करो अभी के अभी। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।